जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रविवार के दिए बयान पर पलटवार किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के साथ जाने की सोचने की बात ही छोड़ दीजिए। अपने ट्वीट में जेडीयू अध्यक्ष ने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया और लिखा कि बड़का झूठा पार्टी एक डूबती नाव है जिसका 2024 में डूबना तय है। और रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा की रैली में कहा था कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है, भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजप के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और ललन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह के इस बयान का जवाब देते जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमित शाह से पूछा कि आपके पास कोई आवेदन लेकर गया है क्या कभी, और फिर इसका जवाब देते उन्होंने लिखा कि बीजेपी के साथ जाने की सोचने की बात ही छोड़ दीजिए, बड़का झूठा पार्टी एक डूबती नाव है जिसका 2024 में डूबना निश्चित है। इस ट्वीट में राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते लिखा कि जुमलों और झूठे वादों के कारण बीजेपी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। चुनाव पूर्व जनता से किए वादों को सत्ता में पहुंचते जुमला कहते हैं, महंगाई पर चर्चा नहीं होती। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे लिखा कि बेरोजगारी दूर करना तो छोड़िए, सब सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा देना और देश के सबसे बड़े 81,000 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट घोटाले पर मौन व्रत धारण कर लेने वाली पार्टी की तरफ कोई देखेगा भी क्यों। बिहार में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी का दौर चरम पर है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। ललन सिंह ने अपने बयान में भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और अमित शाह को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। अरे अपना दिल्ली में जो उनका कानून व्यवस्था जो देख रहे हैं ना, उसको देखें कि वहां जंगल राज है कि मंगल राज है। यहाँ आके परमानेंट 2024 के चुनाव तक राजभवन में अपना डेरा बना दे, परिणाम शून्य ही निकलेगा। 2015 में भी कैंप किए थे वो, इसलिए उनका छोड़िए ना। पहले बोलते हैं प्लांटेड था ये सर, प्लांटेड तो वही ना करवाए होंगे, तो काम ही है उनका धार्मिक उन्माद फैलाना। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, ये तो उन्हीं का प्लांटेड। सही बोल रहे हैं, वो प्लांट किए थे, तैयारी किए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 24 में उखाड़ फेंकेंगे दंगाइयों को। 24 में दंगाइयों को क्या उखाड़ फेंकेंगे, वो खुद ही उखड़ जाए।